है कि इसका नाम हम स्टेट काउंसिल करेंगे। इसके साथ डायरेक्ट फंडिंग का सिक्स शेड्यूल में अमेंडमेंट, देखिए सिक्स शेड्यूल में आर्टिकल 275 है और 280 है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसमें जो केंद्र सरकार फंडिंग देती है वो डायरेक्ट पंचायत को दे सकती है, डायरेक्ट म्यूनिसिपैलिटी को दे सकती है, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नहीं दे सकती है। और इसलिए पैसा राज्य सरकार के पास आता है, कम्युनिस्ट सरकार पैसा खा जाती है, जनजातियों के पास पैसा नहीं पहुंचता है। इनके 19 MLAs, इनके 28 MDC सब जनजातीय है और ये सब लोग गुलामी कर रहे हैं माणिक सरकार के यहां पर जाकर। मेरा सबसे पहले 19 जनजातीय MLAs के साथ निवेदन है, CPM छोड़ दीजिए और आ जाइए, इस जनजातीय समाज के भले के लिए आ जाइए। 28 MDC से मेरा निवेदन है, आप छोड़ दीजिए CPM। आपने इतने साल CPM में रहकर जनजातियों का कोई भला नहीं किया, आपने वही किया जो CPM ने बताया और शोषण किया। आपको कभी पॉलिट ब्यूरो में इन्होंने जगह नहीं दी। अगर ईमानदारी से जनजातियों के प्रति CPM के मन में प्यार होता तो पॉलिट ब्यूरो में उनको क्यों नहीं भेजा आज तक, ना दशरथ देव को भेजा ना और किसी जनजातीय नेता को भेजा। पॉलिट ब्यूरो में जगह नहीं दी, मंत्रालय कौन से दिए, पशु के मंत्रालय दिए, प्राणियों के मंत्रालय दिए, जंगल का मंत्रालय दिया, इनके पास इंसान का कोई मंत्रालय कभी नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया, अपमान ही अपमान CPM ने आप लोगों का किया है। फिर भी आप क्यों बैठे हो MLA बनकर, क्यों बैठे हो आप MDC बनकर, छोड़ दीजिए गद्दी, जनजातीय सेवा समाज की सेवा में धरने पर आप भी जाकर बैठ जाइए, मांग अगर आपको पूरी करनी है तो, ये ड्रामा बंद कर दीजिए। और इसलिए मेरा कहना है, हम जब स्टेट काउंसिल की बात करते हैं तब हेल्थ की व्यवस्था वो डायरेक्ट जनजाति के पास रहे, एजुकेशन की व्यवस्था डायरेक्ट जनजाति के पास रहे, उनके जमीन का मामला है वो उनके पास रहे, उनके कस्टमरी लॉज है वो उनके पास रहे, स्टेट काउंसिल का ये मतलब है। और ये स्टेट काउंसिल वो बेवकूफ हो जैसा कोई एक कलम बता रहा था, उनको ये भी पता नहीं था कि कौन से आर्टिकल में क्या है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिजेंद्र ने किया था। तो अभी वो जो उन्होंने बताया वो तो संभव है नहीं, वो तो हम उसकी मांग नहीं करते, ऑटोनोमस स्टेट की मांग हमने कभी की नहीं है। हम लोग सिक्स्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करके ये अधिक अधिकार जनजाति को देना चाहते हैं और इसका नाम स्टेट काउंसिल करना चाहते हैं। इससे हमको ऐसे लगता है कि इनकी समस्याएं सॉल्व होगी और मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ के जनजातियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय खत्म हो जाए और यहाँ पर जनजाति